हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि UPSC एडवर्टीजमेंट 50 साइकोलॉजी का रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। और यहाँ आज की इस वीडियो में हम उस लिस्ट को डिस्कस करेंगे, लिस्ट को देखेंगे जिसमें कि सिलेक्टेड और वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स के नेम हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे रोल नंबर के साथ में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका यहाँ पे नेम, उनका रोल नंबर, यहाँ पे उनका जेंडर, उनकी श्रेणी कैटेगरी और उनका सिलेक्शन हुआ है किस कैटेगरी में हुआ है वो यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप अपना नाम देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ क्योंकि इतने सारे नेम को वर्बली बोल पाना पॉसिबल नहीं है। ये रिज़ल्ट जो है वो मेरिट में ही प्रकाशित किया गया है, मेरिट लिस्ट में यहाँ पे नेम दे रखे हुए हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। टॉप 10 कैंडिडेट्स के नाम यहाँ पर मैं ले लेती हूँ। फर्स्ट है मनु चौहान, विमलेश कुशवाहा, अंशु, अनुज कुमार मिश्रा, धीरज कुमार, जितेंद्र कुमार पटेल, सुधांशु श्रीवास्तव, श्रवण कुमार दीक्षित, पूजा यादव एंड यशवंत मौर्या। ये टॉप 10 कैंडिडेट्स हैं जिनकी रैंकिंग काफ़ी हायर थी। और यहाँ पे आप बाकी कैंडिडेट्स के नेम और उनका आप उनकी कैटेगरी देख सकते हैं। वैसे तो जिन्होंने भी जिनको भी इंटरव्यू में शामिल होने का मौका मिला था आपने इस लिस्ट को पहले ही देख लिया था, लेकिन अगर कोई ऐसे कैंडिडेट जो कि किसी और काम में व्यस्त रहने की वजह से अगर वो अपना लिस्ट में नाम नहीं देख पाए हैं तो यहाँ पर मेरी वीडियो में यहाँ पर वो देख सकते हैं। और इसके साथ ही जल्दी ही कट ऑफ क्या रही है इस बार और फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ क्या रहा है उस पर भी मैं वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी, उस पर वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी। रिटेन कट ऑफ की वीडियो तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है UPSC एडवर्टीजमेंट 50, वहाँ पर एडवर्टीजमेंट 50 से रिलेटेड ऑल वीडियोज़ अवेलेबल हैं। एंड साथ ही साथ में अब जो न्यू वैकेंसी आने वाली है UPSC एडवर्टीजमेंट 51, उसकी अलग से प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगी, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट 51 से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे रखी हुई होगी। और साथ ही साथ में प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जाती है, साथ ही में जो रिलेटेड वीडियोज़ हैं जो कि आपके टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स को कवर करते हैं, हालाँकि पूरे टॉपिक्स पर वीडियो तो अवेलेबल नहीं है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, गूगल मीट पर ऑनलाइन क्लासेस उसके लिए चल रहे हैं, कुछ वीडियोज़ अवेलेबल हैं वहाँ पर प्लेलिस्ट में, ऑलरेडी मैं उसको अपलोड कर दूँगी UPSC 51 में भी। और UPSC 50 प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने अपलोडेड कर रखा हुआ है, उसे भी काफ़ी कैंडिडेट्स को हेल्प हुआ था, तो वहाँ पे आप मेरी उन प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। बाकी मैं बता दूँ NetJRF के क्लासेस अवेलेबल हैं, PGT के क्लासेस अवेलेबल हैं, आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट करके और कोचिंग क्लासेस, मेरे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही साथ मैं बता दूँ कि मेरे चैनल पर 3 यूनिट्स के वीडियोज़ भी अपलोडेड हैं। NetJRF साइकोलॉजी का सिलेबस आपने देख रखा होगा, जो स्टार्टिंग के 3 यूनिट्स हैं, यानी फर्स्ट यूनिट है एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, सेकंड यूनिट है आपका रिसर्च और स्टैट्स का मेथड है, और थर्ड यूनिट आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ये 3 जो यूनिट्स हैं इसके ऑल वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं और काफ़ी नंबर वाले यूनिट्स हैं, तो अगर ओनली आप मेरे ये 3 यूनिट्स के वीडियोज़ भी देख लेते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और उसके साथ ही कुछ प्रैक्टिस सेट भी दे रखे हुए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल करवा रखे हैं मैंने, 4 से 5 साल के पेपर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बाकी जो इन्फो है, कुछ PhD इन्फॉर्मेशन भी अगर कहीं पे फॉर्म अवेलेबल होता है तो उस पर भी वीडियो यहाँ पे जारी किया जाता है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आगे PhD के लिए या फिर कहीं पर साइकोलॉजी की वैकेंसी अगर आ रही है उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, देख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाती है, साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको मटेरियल मिल जाएगा, मटेरियल आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम में अवेलेबल होगा। मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि जितने मटेरियल मैंने हिंदी मीडियम में अवेलेबल करवाए हैं उतने ही मटेरियल मैं इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल करवा दूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है इंग्लिश मीडियम में मटेरियल को अवेलेबल करवाने के लिए, तो उस पर भी काम चल रहा है और जल्दी ही मैं उसके लिए भी मैं ट्राई कर रही हूँ। एंड यही चीज़ें हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं आप किसी वैकेंसी को देख रहे हैं, PhD एडमिशन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और प्रैक्टिस सेट वगैरह आप देख रहे हैं, इस तरह की वैकेंसीज UPSC हो गया, UPPSC हो गया, GDC हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड कोई भी वैकेंसी हो गई, अगर इस तरह की कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, आपको आने वाली जो भी वैकेंसी होगी या जो भी न्यू वीडियो होगी उसकी अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी, जिससे कि कोई भी वैकेंसी आपके मिस नहीं होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का नेम दे रखा हुआ है। और यहाँ पे प्रॉपर ये दे रखा है कि ये अंतिम चयन जो है वो घोषित कर दिया गया है, और अंतिम चयन घोषित होने के 21 दिन के अंदर ही आयोग कार्यालय
21 दिन के अंदर ही अपना जो सर्टिफिकेट्स है, जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है, वो सेल्फ अटेस्ट करके आपको वहाँ पे अलाहाबाद UPHESC ऑफिस में आपको अवेलेबल करवा देना है। तो इस चीज़ के लिए भी आप बिल्कुल मतलब अलर्ट रहें। जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है उसको जल्द से जल्द करवा के, उसकी कॉपीज़ निकलवा के, इवन 2-3 कॉपीज़ आप एक्स्ट्रा रखें, अपने फ़ोटोज़ को अपने साथ रखें, किसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट बनवा लें और उसको वहाँ पे आयोग में आप अवेलेबल करवा दीजिए। अदरवाइज़ यहाँ पे आपका अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, अगर वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का अभाव पाया जाता है तो फिर आपका अभ्यर्थन निरस्त भी किया जा सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा और इसके लिए अलर्ट रहें। और साथ ही मैं कहूँगी कि जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस साइकोलॉजी फैमिली, साइकोलॉजी वर्ल्ड फैमिली की तरफ से। और आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है या जिनको भी इंटरव्यू में बैठने का मौका मिला है वो हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़कर हमारे चैनल के माध्यम से अन्य जो भी कैंडिडेट्स हैं उन तक अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें कि आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा गया, कितनी देर का इंटरव्यू रहा, इंटरव्यू में कितने पैनल मेंबर्स कितने थे एंड ऑल, जो भी इन्फॉर्मेशन है किस तरह से आपने हैंडल किया, आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी, आपने क्या स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया। तो मैं आप सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स से अपील करती हूँ कि आप मेरे साथ एक बार जुड़ें, मेरे चैनल के साथ में जुड़ें और साथ ही मेरे साथ जुड़कर बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी आप हेल्प करें, उनके लिए भी एक नया मार्गदर्शन करें। क्योंकि यूट्यूब पे भी हम देखते हैं कि साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बहुत ही कम है, बहुत ही कम वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कि प्रॉपर साइकोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर के और या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी वैकेंसी के लिए वहाँ पे इंटरव्यू की तैयारी करवाई गई है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी वर्ल्ड ये YouTube चैनल का मकसद ही यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजी के बारे में जागरूक करना, साइकोलॉजी के मटेरियल्स को अवेलेबल करवाना, साइकोलॉजी के इंटरव्यू शेड्यूल को बताना, किस तरह से आप तैयारी करें, क्या करें। तो इसी के लिए यहाँ पे हम प्रयासरत रहते हैं। तो अगर आप जुड़ सकते हैं नीचे दिए गए नंबर से मुझे व्हाट्सएप या आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर ही जुड़िए, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा करिए जिससे कि आने वाले कैंडिडेट्स के लिए, आने वाले वैकेंसीज़ के लिए कैंडिडेट्स को एक हेल्प मिले, उनका एक मार्गदर्शन किया जा सके। सो आज के लिए इतना ही। Thank you so much.